स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके राज व्लॉग में। दोस्तों आज हम डीडवाना गांव के अंदर है। गांव की जो बकरियां हैं काफ़ी फेमस होती है और बहुत अच्छी तरीके से जो है पालन करते हैं। और एक भाई मिले थे हमारे को इस गांव के अंदर, तो बात करते हैं उनसे। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? हनुमान। हनुमान जी। हाँ। तो गाँव कौन सा है ये? डीडवाना। डीडवाना गाँव है। हाँ। ये किशनगढ़ के पास में है? किशनगढ़ के पास में पड़ता है डीडवाना। कितनी रखते हो आप बकरी? है अभी मेरे पास में 60-70 बकरी है। इसी बाड़े में रखते हो क्या? हाँ, इसी के अंदर। बताओ तो क्या आपके, देखें आपकी बकरियां कौन सी है। आपका क्या नाम है? रामलाल। रामलाल जी। जी अच्छा, इधर आओ एक बार देखो। कितनी बकरियां हैं आपके पास अभी? 60-70 बकरी। 60-70 बकरी है? हाँ जी। 60-70 तो नहीं लग रही है, जैसे लगभग 50-60 बकरी लग रही है मुझे तो। हाँ, तो वो 2-5 कम हो गए, यही फर्क है। तो ये कितने सालों से आप काम कर रहे हो? आप 30 सालों से। 30 साल से ना, शुरू से ये काम करते हो आप? शुरू से ये काम। अच्छा अच्छा जी। तो आपने तो काफी बकरियां वगैरह पाली होगी? बहुत पाली थी। है ना, तो नाम पता रहता है क्या अजमेर वगैरह? तो आपके लड़के वगैरह बताते देते होंगे ना? वो लड़का ही बताता है। पहचान नहीं है आपको? है ना, मैं ऐसा नहीं, पालन का ही काम है ना। पालन का काम है। अच्छा, जो गाँव के जो बकरियाँ है वो पाल लेते हो आप तो? हाँ। अच्छा, खुद का ही बाड़ा हो गया? खुद का ही। तो यहाँ फिर बारिश वारिश में कैसे रखते हो? ये है, चादर है ना, इधर है वो उधर। अच्छा, है चादर उधर में ना। हाँ जी। अच्छा अच्छा, जुगाड़ के अच्छा जुगाड़ बना रखा आप? हाँ जी, अलग अलग जब अच्छा। शाम को बच्चे बांधना था या बकरा बांधना, तो इसमें। अच्छा, इसमें डाल देते हो ना? हाँ जी, अलग अलग बना लिया आपने जाली लगा के ना, ये चारा वगैरह। हाँ। अच्छा, बकरियाँ तो आपके काफी शानदार है, तो ऐसे जा बता देते हो क्या कितने दांत वगैरह की है, क्या है वो सब बता देते हो? आपको लड़का बताएगा? लड़का बता देगा। हाँ सब आपको दे दो, उनको दो, ये माइक दो, निकल बाहर निकाल दीजिए। अच्छा, बताओ देखिए बकरियाँ, 2-4-5 बकरियाँ बताओ इसके अंदर। ये देखो बकरी सिरोही के अंदर। अच्छा, सिरोही में बकरी है ना? हाँ। अच्छा, दो बच्चे वाली है। तो ये क्या दूध अभी ब्याई हुई है क्या बकरी? ब्याई हुई है। अच्छा, तो ये अभी दुआ नहीं के? 3 लीटर दूध होता है इसके। अच्छा, तो अभी दुआ नहीं है इसको? हाँ अभी दुआ नहीं है, अभी अब दुआगे, अब दुएंगे इसको। अच्छा अच्छा, कितने दांत की है ये? 6 दांत की होगी। 6 दांत की। दो बच्चे हैं इसके। अच्छा, दो बकरे इसके नीचे। अच्छा, हर बार दो लेके आती है। हर बार दो लेके आती है। अच्छा, और बकरी बताओ देखो, और ये क्या बकरी देखो निकालो, ये अभी प्रेग्नेंट है, इधर लाओ इसको। अच्छा, प्रेग्नेंट है क्या अभी? हाँ अभी ये प्रेग्नेंट है। गले से मत पकड़ो इसके, ये भी 6 दांत है। अच्छा, 6 दांत की। हाँ, आपकी तीसरी बार बच्चा देगी। अच्छा, ये भी 2 बच्चा देती है हर बार। हर बार 2 देती है? हर बार 2 बच्चा देती है। और ये बकरियों बताओ और देखो। अच्छा चलो, ये एक पट है। अच्छा, अभी इसको हम तैयार कर रहे हैं। अच्छा, बच्चा देने के लिए। अच्छा, अभी थोड़ा उसकी तरह हो जाएगी ना, तब इसको क्रॉस कराएंगे। अच्छा, बड़ी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी तब इस क्रॉस कराएंगे। अच्छा अच्छा, जो बकरे हैं आपके पास? हाँ, वो भी काफी शानदार लग रहे हैं। हाँ। तो वो भी दिखाओ। ये देखो एक सिरोही के अंदर बहुत खूबसूरत बकरा है। ये कितना, ये अदंती होगा अभी तो? अदंत है अभी तो। क्या वजन होगा इसका? इसका होगा 25 से 27 केजी के बीच में। अच्छा, और ये वाला, ये कितने मेरी ये पट है ये? अच्छा, कितने महीने का है ये? अभी होगी 3 महीने की होगी ये पट। 4-1 महीने की होगी लगभग। अच्छा, और ये वाले, ये भी, ये बच्चे हैं? अच्छा, ये भी छोटे बच्चे हैं, ये भी 2-2.5 महीने के बच्चे हैं ये। अच्छा,
और ये वाला ये हमने ब्रीड के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इसको तैयार करोगे आप? हाँ। अच्छा, अभी अदंत बच्चा है। अच्छा अच्छा, तो अलग अलग रखते होंगे आप? हाँ। कलेक्शन करते होगे, सेलने का काम होगा आपको तो? हाँ, सेल करते हैं ना। हाँ, तो इतना हो जाता है कि फिर आपको कैसे करते हो? पालन में तो संभव है नहीं ऐसा? पालन में नहीं, जंगल से खरीदते हैं। लेके आ जाते हो आप? जंगल से खरीदते हैं पूरा माल। अच्छा अच्छा, बाकी आप पालन भी करते हो? हाँ, अभी पालन करते हैं। बकरे काफी है आपके पास? ये देखो, एक गुजरी पट। अच्छा अच्छा, लेके आओ। देखो ये गुजरी पट, ये कितने महीने का है? ये अभी 5 महीने की होगी पट है, गुजरी बकरी है ये। अच्छा, और ये वाला? ये वाला बकरा है। अच्छा, ये कितने महीने का है? ये अभी 3-3.5 महीने का है। 3-3.5 महीने? हाँ। अच्छा, तो आप सेल किसे करते हो? नग के हिसाब से करते हो या तोल के हिसाब से करते हो? नंग के हिसाब से भी कर देते हैं, तोल के हिसाब से भी कर देते हैं। अच्छा, फिर तोल का जैसा जैसे अगले की मर्जी हो, वो कैसे लेना चाहिए। अच्छा, तो तोल के कैसे करते हो? तोल में क्या रहता है आपका सिस्टम? तोल में सिरोही के बकरे 300 रुपये केजी के हिसाब से। अच्छा, और बकरे और पट दोनों लेना चाहे तो 280 के हिसाब से। अगर पट लेना चाहे तो 270 रुपये पर केजी के हिसाब से। और ये जो बकरियां हैं, वो बकरियां हैं जो 250 रुपये केजी से। 250? हाँ। तो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो फिर आप कैसे होगा आपके पास? तो कैसे हो जाता फिर? आप जंगल से खरीद लेते हैं? खरीद लेते हो? हाँ, जंगल से। उसको टाइम कितना लग जाता फिर? टाइम 4-5 दिन लग जाते हैं। 4-5 दिन के अंदर? हाँ, 4-5 दिन के अंदर। क्योंकि जंगल से माल खरीदते हैं तो टाइम लगता है। तो फिर जैसे कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे को आप साथ लेके चलो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? हाँ, साथ में बिल्कुल जंगल में लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो आपके नंबर वगैरह बता दीजिए एक बार। मेरे नंबर है 8058-33-68-23। अच्छा, इधर कौन सी वाली बकरियाँ रख रखी है आपने? इधर है अजमेरी बकरियाँ हैं। तो ये अलग क्यों रख रखी है आपने इधर? हैं, इधर अलग क्यों रख रखी है? ये अलग, तो इसको बकरे परेशान ज़्यादा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्रेग्नेंट है, इसको बच्चे बकरे ज़्यादा परेशान करते हैं इसको, इनको। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए अलग रख रखे इनको। इनका अलग बॉडी में जो प्रेग्नेंट वगैरह हो जाती है? हाँ, उनको अलग रखते हैं। अच्छा, और ये बच्चे भी हैं आपके? बच्चे हैं उन उस बकरी के हैं ये, जो आपने बताई थी अभी वो। हाँ, उसी के हैं क्या? उसी के हैं ये बच्चे। तो यार शानदार दिए इसने तो यार। हाँ, कराएंगे वो, अभी तैयार हो रहा है। बच्चे किसके हैं तो फिर? वो बच्चे इसके बाप के हैं। उसके बाप के हैं? उसके बाप के हैं। अच्छा अच्छा, उसके बाप को कहाँ भेजा फिर? उसके बाप को सेल कर दिया। अच्छा, तो ब्रीडर भी सेल करते हैं क्या आप? हाँ, वो आए था बकरियों के लिए, वो पाल्टी वालों को पसंद आया, दे दिया। अच्छा, तो सेल किस हिसाब से करते हो? वो ब्रीडर किस हिसाब से सेल करते हो? ब्रीडर 350 रुपये केजी के हिसाब से। 350 के हिसाब से।